वेलकम बैक टू आवर शोरूम शुगर मोटर्स। इस शोरूम में ना हमें काफी ज्यादा काम करना बाकी है, बट हाँ हमने अपने कुछ प्रीवियस वीडियोस में कई सारी गाड़ियां बेची है एंड जिससे कि हमारा टोटल अभी जो अर्निंग हुआ है वो हुआ है 39,72,771 डॉलर्स। तो आई थिंक ये अभी हम लोग अपने पीक पर चल रहे हैं, पीक पर भी नहीं चल रहे, अगर हम लोग इन गाड़ियों को बेच दे एंड इनसे भी प्रॉफिट अपना बुक कर ले तब पता चलेगा कि एग्जैक्ट अपना बैंक बैलेंस और अपना नेटवर्थ कितना है। फिलहाल अपने पास ये एक फरारी पड़ी हुई है एंड जिसकी इंजन आई थिंक मैंने ऑन ही छोड़ दिया था लास्ट टाइम खेलते हो भाई साहब। हाँ अपने पास एक फरारी है, ये पता नहीं कौन सी गाड़ी है, बाकी इधर भी एक ऑडी की कार है एंड आई थिंक ये भी एक फरारी है। और हाँ यही नहीं, अगर हम लोग यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर भी हमने कुछ अच्छे अच्छे कार्स रखे है। ये देखो हमने ऊपर रखे ये एक सुपर कार। तो फिलहाल आज का मेरा प्लान है कि मैं अपने शोरूम को पूरा तरीके से कम्प्लीट करूँ एंड इसमें जो ये बचा कुचा खाली खाली शोरूम लग रहा है इसके अंदर अपने गाड़ियां शोकेस करूँ एंड देन फिर सोचेंगे कि हमको कौन सी गाड़ी बेचना है, कौन सी गाड़ी शोरूम में एज अ शोकेस रखने का है। फिलहाल मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं सारे के सारे गाड़ियां बेचूं जो भी मैं खरीदूं, बिकॉज आई वांट टू डू बिजनेस, ना कि अपने शोरूम को डेकोरेट। बट देखते हैं, क्योंकि जैसे वो मस्टैंग है तो मेरे को मस्टैंग ना बेचना पसंद ही नहीं है, बिकॉज एक ही मस्टैंग है फिलहाल अपने पास। तो अगर अपने पास दो तीन मस्टैंग होते तो ऑब्वियसली हम लोग एक दो मस्टैंग बेच सकते, एक मस्टैंग रख देंगे ताकि अपना शोरूम भी भरा भरा सा लगे। तो हाँ ये जो शोरूम का अपग्रेडेशन है लाइक हमको छत वत लगाना है ये हम लोग करेंगे, बट उससे पहले हम लोग चलते हैं नेबरहुड में एंड आज कार मार्केट प्लेस भी ओपन है तो कार मार्केट प्लेस में भी चलते, बस से चलते बिकॉज उधर से अपने को गाड़ियां उठा के लाने की है। तो कार मार्केट प्लेस से गाड़ियां उठा देते हैं, नेबरहुड में जाएंगे, नेबरहुड से गाड़ियां उठा के, आज अपना गाड़ी बाइंग दिन है, आज जितने हमको गाड़ियां खरीदनी सब खरीदेंगे। ओके तो अपने पास एक फरारी है भाई, ये बंदा है अपने पास फरारी F430 एंड ये 329,000 में बात कर रहा है, तो ये डिसेंट प्राइस इस गाड़ी के लिए बोल रहा है मेरे हिसाब से तो। बट स्टिल मैं इसको 2,10,000 2,20,000 हो गया, चलो ठीक है $2,20,000 का ऑफर दूंगा एंड देखते ये मानता है कि नहीं मानता, बट हाँ ये नहीं मान रहा तो 2,00,000 हम लोग 2,50,000 का मैं ऑफर दे चुका हूँ। ओके तो मैं 2,50,000 का छोड़ के ले, मैं अब इतना 2,70,000 का ऑर्डर दिया। हाँ 2,70,000 में अपने ये बंदा मान चुका है एंड ये फरारी अपनी हो चुकी है। आई थिंक इस फरारी को ही चलाने का जाने वाला हूँ, नहीं एक लंबोर्गिनी भी है अपने पास तो मैं इसको भी चला के जा सकता हूँ। इस लंबोर्गिनी आई थिंक एक अच्छा लंबोर्गिनी कच, तो इसकी प्राइस देखते हैं कितना। अबे पांडू पागल हो गया क्या, 5,06,000 कैसे बोल रहे थे ये वाली गाड़ी की, बट हाँ इस गाड़ी की प्राइस रहती तो इतनी। बट हाँ इस मेरे को ये 250 में देगा तो मैं लूंगा, वरना नहीं लूंगा इस गाड़ी को। अब ना डर लगने लग गया है कि क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि रिपोर्ट में भी फेक, यू कैन पे एन एक्सपर्ट टू सी द करेक्ट रिजल्ट्स। आई थिंक अपने को ना एक्सपर्ट को ही पे करना पड़ेगा बिकॉज अपने को करेक्ट रिजल्ट्स चाहिए। भाई एक्सपर्टीज $50,000 बोल रहा है तो क्या इस गाड़ी के लिए एक्सपर्टीज होगा $50,000 में, एक बार देखते हैं। क्या ये स्पेशल आईडी मतलब क्या, अच्छा 4x5 है, 4x5 लेट्स चेक इट। तो अपना जो एक्सपर्ट बंदा है ये इस गाड़ी को चेक कर रहा है, लंबोर्गिनी कच को, प्लेट नंबर इसका ये है, यही एक्सपर्टीज रिपोर्ट भाई, यही एक्सपर्टीज रिपोर्ट। अरे मेरे को चाहिए था कि मैं वो प्राइस सही बता रहा है या नहीं बता रहा या फिर वो क्या मतलब एक्चुअली वो क्या कर रहा है, पर मैं 50,000 की यू ही फूक दिया गया यहाँ पे। अरे वो बंदा हाथ में मूव कर रहा है भाई, गाड़ी चेक कर पांडू, मुझे किसकी सिग्नेचर है, एनएस टैग बढ़िया, यही एक्सपर्टीज रिपोर्ट है क्या, मतलब व्हाट द हेल, अप्रूव्ड, ओके अप्रूव्ड तो है ये। ठीक है फिर मैं बार्गेन करके पूछता हूँ, मैं $3,00,000 में देता है तो मजा आ जाएगी, लेट्स गो। ओके ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, बट हाँ मेरे को ये चीज चेक करनी की है कि क्या फिर ये एक्सपर्टीज हम लोग यहाँ पर भी यूज कर पाएंगे कि इधर अलग से एक्सपर्टीज का पे करना पड़ेगा। व्हाट द हेल इज दैट भाई, पैसा फूक दिया $50,000 उस गाड़ी में हमने और खरीदे भी नहीं। ये $28 में बोल रहा है, मैं इसको $22 में मांगने की कोशिश करता हूँ, $22,000। इसको प्राइस बॉदर कर रही है बट हाँ मैं 22 की जगह 24 कर लेता हूँ, सीधा $2,000 मैंने बढ़ाया। हाँ इन्होंने अपनी तो फाइनली ये वाली गाड़ी भी अपनी हो गई है, ये वाली गाड़ी भी काफी कूल सेडान है। ये गंदी सी गड्डी बट हाँ ये एंटिक और विंटेज गड्डी तो है, बट हाँ ये डैमेज्ड एंड ऑल दैट लग रही है। बाकी ये वाली गाड़ी ओके, ये वाली मैं बिटल आई थिंक ये फियाट 500 मिनी है, तो हाँ इसको खरीदते ही 1% डैमेज है, इसको मैं बार्गेन करूंगा। ये $15,000 बोल रहा है तो मैं इसको $12,000 में बोलता हूँ, डायरेक्टली कम ही करते प्राइस को। व्हाट इज दिस भाई, ये भाव खा रहा है भाई, $12,000 में भी नहीं मान रहे हैं, $13,000 में मान चुका है। तो अपन ने अभी तक के 3 गड्डियां खरीद ली यहाँ से एंड ऑडी मेरे को पसंद तो आई है बट ये अच्छी नहीं है, बाकी ये वाली गाड़ी भी उतनी अच्छी नहीं है। तो हाँ फरारी को फरारी में ही जाएंगे बैठ के, तब तक की इस गाड़ी को हम लोग भेज देते हैं, टो का ऑप्शन अपना डिसेबल है बिकॉज उधर ऑलरेडी टो में गाड़ियां खड़ी है। बाकी कौन सी गाड़ी खरीदी अपन ने, वो गाड़ी खरीदी थी उसको मैं भेज दिया रिपेयरिंग के लिए एंड ये एक गाड़ी खड़ी जिसको भी मैं रिपेयरिंग के लिए भेजता हूँ। अब हम लोग टेलीपोर्ट नहीं कर पाएंगे गाड़ी बिकॉज ना अपना सारे के सारे स्लॉट्स भर चुके हैं, वो तो अच्छे हैं, मैंने 3 ही गाड़ी खरीदा। तो पहले शोरूम को चलते हैं एंड वो जो क्या बोलते हैं उस एरिया में जो भी अपने टो वाले एरिया में जो भी गाड़ी पड़े हैं उन लोगों
लोगों को उन गाड़ियों को वहाँ से हटाते हैं, बिकॉज इसके बाद अपने को नेबरहुड में जाकर भी गाड़ियाँ खरीदनी है, आज बहुत सारे गाड़ियाँ खरीदनी है। भाई बातों बातों में मैं 5% का डैमेज दे दिया, बहुत ही गंदा पिटा है इस गाड़ी को मैंने। कोई बात नहीं, लेट्स गो। और मैं लास्ट एपिसोड में मेरा बहुत बड़ा पोपट हो गया था, ये रेस करने के लिए गया था भाई, दोनों बार हार चुका, पैसा भी फूक दिया था उधर में। इसलिए बोलते हैं कि ये जुआ हुआ नहीं लगाना चाहिए, वही है ना, यहाँ पे जो रेस होती है वो जुआ ही तो है, उसमें हम लोग कुछ मनी का बेट करते हैं, अगर हम लोग हारे तो हम लोग पैसा हार जाएंगे। वो भाई इसकी ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही घटिया हो चुकी है। चलो ये दो फेरारीज अपने पास यहाँ पर हो चुकी है, इस फेरारी को भी यहाँ पे लगा देते हैं कुछ इस प्रकार से, उतरते हाँ ये वाले गाड़ियों को अपने को यहाँ से हटा के शोरूम में लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये जगह खा रहे हैं, यहाँ पे हमको टोविंग का ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि नेबरहुड जाएंगे तो वहाँ से गड्ढिया टोई करके लाना पड़ेगा, थोड़ी ना हम लोग एक एक गाड़ी लाएंगे उधर से चला चला के। अब ये डस्टबिन एक तो यहाँ पर बीच में, आई डोंट थिंक सो कि हम लोग डस्टबिन यहाँ से मूव कर पाएंगे, एक तो ये गाड़ी भी डैमेज्ड है साली। ओके तो इस गाड़ी को मैं यहाँ पे इंजन ऑफ करके इधर ही पार्क कर देता हूँ। अब बारी है, अरे ये सीढ़ियों के नीचे से नहीं घुस सकता अपना कैरेक्टर। अब बारी है हमारी दूसरी गाड़ी को भी पार्क करने की, ये पता नहीं कौन सी गाड़ी है, इस गाड़ी का नाम पता नहीं भाई कौन सा है, इस गाड़ी का नाम है BMW 5 सीरीज। ओके भाई पुरानी वाली BMW है ये, देखो यहाँ पे लोगो भी है, लोगो कैसा है इसका, वाओ नीला। चलो इस गाड़ी को अपन लोग यहाँ पे पार्क कर देते हैं, गाड़ी तो सही है भाई ये वाली। ओके तो मैं भी इसकी इंजन ऑफ करके मैं इसको भी पार्क कर दिया है। एंड ये वाली भाई ये कौन सी है, कूपे शेप मस्त दिखता है, ये वाली मर्सिडीज का, ये वाली गाड़ी है मर्सिडीज कूपे, नाम ही मर्सिडीज कूपे है। लेट्स गो, एंटर करते हैं, इंजन ऑन करते हैं, हम इस गाड़ी को पार्क करते हैं शोरूम में अच्छे तरीके से, एंड इसको सेल पे डाल देंगे। और ये कार कितनी गंदी डैमेज हुई यार फिर से, भाई बहुत ही गंदी ड्राइव कर रहा हूँ मैं, काफी दिनों बाद खेल रहा हूँ ना यार कार फॉर सेल, मतलब काफी ज्यादा दिन भी नहीं हुए बट हाँ 7-8 दिन तो हो गए। तो हाँ ये जगह पूरी की पूरी कम्प्लीटली खाली हो चुकी है। मैं क्या करता हूँ अभी ना, ये गाड़ियों को सेल पे भी लगा देता हूँ ताकि कस्टमर्स अपने शोरूम को विजिट करते रहे, बाकी देना ना देना अपनी मर्जी है उनको ना, कस्टमर शोरूम को विजिट करते तो मजा आ जाती है। तो मैंने इस मर्सिडीज को जो रिसेंटली भी पार्क किया वो 84,000 में खरीदा था, तो मैं इसको 1,20,000 में रख दूंगा, इसको मैं सेल पे डाल देता हूँ। बाकी ये NG5 स्टेशन वैगन को मैं 50,000 में खरीदा था, 49,072, तो इसको मैं 90,000 में सेल पे डाल देता हूँ। एंड ये दो गाड़ी ऑफिस में नहीं है तो ये कहाँ पे रहे फिर, अरे यार। ओके तो मैं, अरे यार यहाँ पर रात भी हो चुकी है, तो मैं वो गाड़ियों को सेल पे डाल दिया था, बट अभी चलो दिन करते फटाफट से, कंटेनर में जाते हैं एंड दिन करके अगले दिन मस्त काम करेंगे, लेट्स गो टू स्लीप गाइस। ओके तो यहाँ पे ट्रैवल करके हम लोग जाएंगे ऑफिस, एंड आज आई थिंक हमारा कार ऑप्शन ओपन नहीं है, नहीं ऑप्शन ओपन तो नहीं है, बट हाँ मैं बोल रहा था कि अभी हम लोग अपने शोरूम को ऑन कर देते हैं एंड आज हम लोग चलेंगे नेबरहुड, एंड बस से ही भाई ट्रैवल करेंगे नेबरहुड में, बिकॉज वही है। अरे हाँ ये दो गाड़ी है जो मैंने लास्ट टाइम ऑक्शन से शायद से खरीदा होगा, तो वहीं पर पड़े हुए हैं, उनको वहीं पर पड़े रहने देते हैं। फिलहाल हम लोग चलते हैं नेबरहुड में एंड नेबरहुड से गड्डियां खरीद देते हैं। ओके तो ये पुराने जमाने की एक बहुत ही एपिक सी मेरे को कार लग रही है, इनसे बात करते कौन सी गाड़ी है, नई वाली गाड़ी दिख रही है, शेवलेट C10 एंड ये $8,000 में ही खरीद, मतलब बोल रहे बेच रहे, तो इसको मैं बार्गेन करके $6,400 में ही खरीदने की बात करूंगा। भाई थोड़ा पैसा सेविंग करना जरूरी होता है, मतलब क्योंकि इस गेम में ना अपने बार्गेनिंग स्किल्स ही काम आते हैं, तो 7,000 में प्राइस रखूंगा भाई, 7,000 स्टिल इनको ये मना, ओके 7,000 में मान चुके हैं। इस गाड़ी को लगे हाथों मैं इधर टो ट्रक से भिजवा देता हूँ, एंड ओके ये एक मस्त एपिक सी कार है, ऑडी की S5 है ये, एंड ये $14,000 में बोल रहा है, तो मैं $14,000 पे करने को रेडी, उनको $12,000 का एक बार ऑफर देकर दे, क्या पता है मान जाए। ओके वो $12,000 में मान चुके हैं, पिछवाड़े से थोड़ी सी मतलब है ठुकी, बड़ा ये V8 इंजन के साथ आती है, देखो यहाँ पे V8 की बैजिंग भी है, तो मैं इस गाड़ी को भी टो करके उधर भेज देता हूँ एंड वो अपने पास पहुंच चुकी होगी। वैसे अपना एक स्किल पॉइंट मतलब एक स्किल पॉइंट भी अनलॉक हो चुका है, आई डोंट नो कौन सा अनलॉक हुआ है। फ्यूल प्राइस, गेट योर कार फ्यूल एट लोअर प्राइस और प्रिंटिंग प्राइस गेट एट लोअर प्राइस। अरे मेरे को वो चीज देखना कि मैं गाड़ियां धो कैसे सकता हूँ, लेकिन ये स्पंज बट मैं इसको अनलॉक नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको अनलॉक कर पाऊंगा या तो मैं इसको अनलॉक कर पाऊंगा, किसे अनलॉक किया जाए, ये क्या है एम्प्लॉय कार वॉश, हाँ एम्प्लॉय कार वॉश अनलॉक एट टू बट नहीं अनलॉक होगा, तो ठीक है स्किल पॉइंट मिला है अपने को एम्प्लॉय वाला बढ़ाने का है, तो हम लोग वही बढ़ाएंगे। बट ये एक गाड़ी प्यारी सी लग रही है, इसको भी हम लोग बात करके देखते हैं, $33,000 बोल रहा है, तो इसको मैं बार्गेन करके $28,000 में बात करके देखता हूँ। ओके तो $28,000 में भी मान चुका है बंदा, एंड इस गाड़ी को भी हम लोग टो करके लेकर जाते हैं। फिलहाल अभी अपना टोविंग की क्षमता खत्म हो चुकी है, अभी कोई तो गाड़ी खरीद के पहले चलते हैं शोरूम में अपने। अब मेरे को एक अच्छी सी खुद के लिए प्यारी गाड़ी चाहिए जिसको मैं ड्राइव करके जा सकूं, क्योंकि पैसा बहुत है अपने यहाँ पे, $3,35,000 यहाँ पर पड़ा है, तो हम लोग
जिस पर नजर पड़ी हम लोग वो लेजिट गाड़ी खरीद सकते हैं, बट अच्छी गाड़ी पे नजर पड़नी चाहिए। आई मीन यहाँ पर कोई अच्छी गाड़ी बेचने वाला होना चाहिए। तो अब तक के तो मेरे को यही सबसे बेस्ट गाड़ी अब यहाँ की लगी जो है कि स्कोडा की, स्कोडा ऑक्टेविया, एंड इसकी प्राइस है $33,000 बोल रहे हैं। तो इसको मैं भी 28,000 में खरीदने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं। ओके, ये मान चुके हैं, बट हाँ इस बार ना हमने कुछ महंगे महंगी गाड़ियाँ नहीं खरीदा। महंगे महंगी गाड़ी एक तो कार ऑक्शन में ही आना, कार ऑक्शन में ज़्यादा आते हैं लोग, उसको कार ऑक्शन में ज़्यादा बेचना प्रेफर करते हैं। कार ऑक्शन में आते हैं और एक तो कार मार्केट में आते हैं। बाकी इधर नेबरहुड में बहुत ही कम ऐसा सीन मेरे को देखने को मिला है जहाँ पर बंदे अपनी महंगी महंगी गाड़ियाँ नेबरहुड में बेच रहे हैं। बट फिलहाल एनीवेज हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है, एंड मैं वापस इसलिए आ गया वहाँ से क्योंकि मेरा फिर से वो जो टो ट्रक वाला खत्म हो गया। 2-3 गाड़ियाँ ऑलरेडी अभी मैंने भर दी है, तो अभी मैं और वहाँ पे नहीं भर सका, इस वजह से मैं डायरेक्ट इधर आ गया। और यहाँ पर एक किसी का नया घर बना गया, पहले तो यहाँ पर वो घर नहीं था भाई। इस गाड़ी को सीधा पार्क करते हैं, देखो बंदे आ रहे हैं, गाड़ियाँ सेल पे डाले तो बंदे आ जाते हैं लेजिट। इस गाड़ी को भी इधर पार्क कर देते हैं हम लोग। लेट्स गो, इसकी इंजन ऑफ, एंड इसको भी इधर पार्क मैंने कर दिया। बाकी इन तीनों गाड़ियों को भी मैं पार्क कर देता हूँ, इसके इंजन ऑन किया। एंड ये व्हीकल कुछ अलग ही नहीं दिखती भाई, देखो एकदम ब्रांडेड, एकदम मतलब पुराने जमाने की विंटेज एसयूवी। एंड चलो इसको पार्क करते भाई यहाँ पे। बहुत ही, बट इस गाड़ी का एक प्रॉब्लम है कि बहुत ही गंदा नॉइस कर रही है। और इधर क्यों मैं ठोक रहा हूँ, थोड़ा शिद्दत से पार्क करते इस गाड़ी को, बिकॉज ये गाड़ी ना मिलेगी दोबारा। बहुत विंटेज सी मेरे को फील आती है इस गाड़ी से, तो इसको भी मैं यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। बाकी ये वाली भी जो रिसेंटली हमने ऑडी की कार खरीदी है, इसको भी पार्क कर देते हैं। एंड देख रहे हो कस्टमर्स कितने सारे आ रखे हैं अपने पास, क्योंकि गाड़ियां बहुत सारी है। एंड अभी अपने शोरूम का थोड़ा नाम भी बन चुका है पूरे टाउन में, तो बहुत सारे कस्टमर्स आ जाते हैं। क्या है भाई, मेरा लगा है क्या इधर गाड़ी होगा, इतने सारे कस्टमर्स, बूम डैम। तो जैसे कि मैंने कहा, आज अपना प्लान है पूरा का पूरा शोरूम भरने का गाड़ियों से ही, गाड़ियों से। जिधर देखो उधर गाड़ियां होगी, एंड अपना शोरूम आज हम लोग फाइनली पूरा कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि उसकी छत ही खुली है। आधा शोरूम आधा अधूरा बिल्ड हुआ है, इसको भी मैं यहाँ पे पार्क कर दूंगा, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बची है, लेट्स गो। तो अभी तक अपने शोरूम में ये वाली लाइन पूरी कंप्लीट हो चुकी है, इस लाइन में पूरे के पूरे गाड़ियां ही गाड़ियां आ चुके हैं। आई थिंक यहाँ पर एक और स्पेस बची है जिस पर मैं गाड़ियां पार्क कर सकता हूँ, तो उनको भी लाएंगे। एक फिरारी उधर पार्क कर देते हैं, नहीं फिरारी थोड़ा शोरूम के बाहर रखते हैं। बाकी ये कार ऑक्शन में से हमने दो, मतलब यहाँ पर दो तीन गाड़ी आई थिंक खड़ी है, वाओ, जो हमने लास्ट टाइम खरीदी थी। आई थिंक नहीं, दो ही गाड़ियां यहाँ पर खड़ी है। तो इसको मैं, इस वाले ऑडी को मैं इधर टो करके उधर भेज देता हूँ, ताकि थोड़ा सा अपना रास्ता स्किप हो जाए। एंड इस वाली गाड़ी को लेट्स गो चला कर जाते हैं। इस पर टेक्सास का नंबर प्लेट है, बिकॉज ये सेकंड हैंड गाड़ी है भाई। वाओ क्या ड्रिफ्ट मारा मैंने। तो हाँ, इसको आई थिंक हमको इधर बीच में घुसेड़ देना चाहिए। नहीं यार, बीच में नहीं घुसेड़ना है हमको, इसको हम लोग यहाँ पर लगाते हैं कुछ इस प्रकार से। ओके, तो मैंने इस गाड़ी को भी यहाँ पे पार्क कर दिया है, एंड अपनी इधर एक और गाड़ी यहाँ पर इस वाले एरिया में पार्क्ड है, तो इसको भी उधर ही लगा देते हैं, ताकि ये वाला एरिया क्लियर आउट हो जाए, एंड हम लोग फिर नेक्स्ट अपने परचेस पर निकल जाए। एंड यहाँ पर एक चीज है कि लोग हम लोग कुचल ही नहीं सकते यहाँ पर, देखो वी कैन नॉट कुचल दिस लोग, क्या इंग्लिश बोल रहा हूँ। ओके, तो मैंने ये वाली गाड़ी को भी यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर आई थिंक मेरे को पूरे एसयूवीज ही लगाना चाहिए, बहुत गंदे गंदे एसयूवीज है। अपने को ये वाला स्किल पॉइंट अनलॉक करना पड़ेगा, जो कि ये एम्प्लॉय कार वॉश, जो ऐसा एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा जो कि भाई हमने फिर गाड़ियों को धोता रहे। बट उसके लिए दो स्किल पॉइंट्स की जरूरत है अपने पास, फिलहाल एक तो है, तो एक और कलेक्ट करने का है फटाक से, एंड देन फिर वी कैन एंजॉय। बाकी इधर अपने दो गाड़ियां और इधर पड़े हैं, तो इन लोगों को भी उठाते हैं यहां से। और ये गाड़ी लेजिट इतनी गंदी, कैसे कबाड़ उठा कर लाया था क्या, व्हाट द हेल। यू कैन ओपन अ स्किल फॉर लोअर रिपेयर प्राइस, बट नहीं मेरे को फिलहाल लोअर रिपेयर प्राइस नहीं चाहिए, मेरे को कार वॉश वाला चाहिए। तो इसको रिपेयर कर देते हैं। आई थिंक मेरे को इस गाड़ी को पेंट मारना पड़ेगा, बिकॉज पूरी स्क्रैप्ड गाड़ी लग रही है। एंड इस बंदे को भी बात करते हैं, ये $20 में रिपेयर कर सकता है इस गाड़ी को, तो रिपेयर कर देते हैं। एंड हो गई अपनी गाड़ी है रिपेयर। तो इसमें एंटर करके अपने को इसमें कलर डालना पड़ेगा, कलर मारना पड़ेगा भाई। शीट क्या गंदा आवाज कर रही है गाड़ी, देखो ये कितना घटिया कलर यहाँ पे। चलो भैया से बात करते हैं, हम लोग कलर करेंगे, लेट्स गो। तो इसको मेरे हिसाब से पहले का कलर व्हाइट कलर था इसका, बट ये टेक्सचर क्या आ रहा है इस गाड़ी के अंदर, पार्ट्स रूफ को पेंट पार्ट्स, एंड कार में इधर पॉलिशिंग में स्मूथनेस। इतनी कबाड़ क्यू टाइप लग रही है गाड़ी ये, इसमें क्या टेक्सचर है क्या ये। कार में पेंट हम लोग इसमें, ओके तो मैंने पेंट कर दिया है, बट ये अभी भी गाड़ी खराब ही लग रही है। आई डोंट नो इसमें क्या सीन है, ये पता नहीं। अच्छी गंदी है कार, इतनी गंदी है ये, व्हाट द हेल।
बड़ा ये वाला पेंट भी बहुत ही सेक्सी कलर मैंने मार दिया है। हाँ बट पेंट मारने के बाद गाड़ी धुल जानी चाहिए यार। कार वॉश में चले गए एक बार, कार वॉश करके आते हैं, रुको लेट्स गो, क्योंकि ये गाड़ी कुछ ज्यादा ही गंदी है। इसको मेरे को देखने का है कि पॉलिशिंग मतलब धोने के बाद ये कैसी दिखेगी, अच्छी दिखेगी या फिर बुरी दिखेगी। तो ये कार वॉश है अपना, फाइनली हम लोग कार वॉश में आ चुके हैं। बट हाँ यहाँ पर कार वॉश में कोई बंदा ही नहीं रहता यार। हाँ अभी इस बार बंदा है, इस गाड़ी को हम लोग यहाँ पर पार्क कर देते हैं, इस बंदे से बात करते हैं। लेट्स गो, कार इज टू डर्टी, कार अबे हमको देखने का यार। अरे यार गाड़ी धुल रही है, हाँ धुल रही है, धुल रही धुल रही है। ओके एंड अपने पास एक और स्किल पॉइंट आ चुका है, बट एक ही है यार, शिट। तो गाड़ी धुल जा जल्दी। हाँ गाड़ी फाइनली धुल के हो चुकी है आई गेस। सो अभी गाड़ी में बैठ जाते हैं, इंजन ऑन करते हैं एंड अभी निकलेंगे भाई यहाँ से, लेट्स गो। अभी देखो कितनी चमचमा रही है गाड़ी, डैम क्रेजी। अभी ना मेरे को सोने के लिए जाना है फटाक से। अरे ये गाड़ी कैसे उछाल दिया मैंने, शिट। वो मेरे को ये पता ही नहीं था कि धुलने के बाद गाड़ी इतनी ज्यादा नहीं दिखती है, अगर ना मैं बहुत बार धुलता, हर एक गाड़ी को धुलता मैं। वैसे चमचमाता शुगर मोटर्स का बोर्ड, अरे ये रिवर्स क्यों जा रही है यार। मैं इस गाड़ी को इधर ही पार्क कर देता हूँ ऐसा यहाँ पे, एंड इधर से उतर जाते हैं। भाई रात यहाँ पर बहुत जल्दी हो जाती है, कंटेनर में जाके सोना पड़ेगा ताकि हम लोग दिन कर सके। तो आई थिंक दैट्स इट गाइस फॉर टुडेज वीडियो। हमने कोशिश करी कि हम अपने शोरूम को भर पाए, बट ये वाला सिलसिला हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे। फिलहाल मैं उतने ज्यादा लंबे वीडियोस रिकॉर्ड करना अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज कैमरे की बैटरी बहुत जल्दी लो हो जा रही है, तो पता नहीं उसका थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा। हाँ तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलूंगा मैं आपको कार फोर्स लेकर नेक्स्ट वाले वीडियो में। बट उससे पहले कुछ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज आने वाली है, बाकी पिछले दो दिन चार 5 दिन में कुछ ये इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर आए जो कि समथिंग डिफरेंट थे, तो यू कैन चेक दैट एंड ट्रस्ट मी वो वीडियोस देखकर तुमको लेजिट मजा आ जाएगा। तो हाँ चेक आउट दैट वीडियोस, बाकी पीस आउट एंड लव यू टिल इटर्निटी।